और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है, लेकिन मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं, आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है। राष्ट्रपति जी का भाषण देश के सामान्य मानवीय ने जिस आशा आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है उसका एक प्रकार से प्रतिध्वनि कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। अभी सुना आपने प्रधानमंत्री को। ये पहला मौका है जब 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को जनता की सरकार बताया। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को याद किया और सराहा भी, कहा बहुत परिश्रम किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जहां पिछली सरकारों पर निशाना साधा तो आपातकाल को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लकीर लंबी खींचते हैं। उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बिना बार बार कहा कि लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, वो जितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे वो ज़मीन से उतनी दूर होंगे और मेरे लिए अच्छा है, और मैं तो किसी की लकीर मिटाता नहीं, अपनी लकीर लंबी करता हूँ। लेकिन जब वो लकीर का जिक्र कर रहे थे, कभी प्रधानमंत्री ने अपने आप को फकीर भी कहा था, अब वो जब लकीर का जिक्र कर रहे थे तो पूर्ववर्ती सरकारों पर निरंतर निशाना साध रहे थे। और प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है, वो व्यंग भी करते हैं, सीधे हमले और तीखे हमले भी करते हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने विपक्ष को घेरा। आज 25 जून है तो आपातकाल का भी उन्होंने जमकर जिक्र किया, कई तरह के सवाल खड़े किए, और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को इस बात के लिए भी घेरा, विपक्ष के नेता को इस बात पर भी घेरा कि उन्होंने अपनी ही सरकारों के पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं किया। तो ये प्रधानमंत्री का काम करने का अपना तरीका है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जिक्र किया, महात्मा गांधी का भी जिक्र किया, और विपक्ष पर निशाना साधने के लिए भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। तो यही है हमारा आज का विशेष, मोदी लकीर। ये मोदी लकीर इसलिए कि मोदी ने कहा कि मैं दूसरे की लकीर मिटाता नहीं, अपनी लकीर बनाता हूँ, और हम तो बहुत परिश्रम करते हैं साहब, हम तो बहुत मेहनत करते हैं साहब, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। वो जो मोदी अंदाज है, और बोलने में तो मोदी का कोई जवाब नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरोठिया मौजूद हैं इस चर्चा के लिए, साथ ही
हमारे साथ सुधीर सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश जी और सुधीर जी दोनों राजनीतिक समीक्षक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे ही शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी लाजवाब कर देते हैं, बोलने में तो उनका कोई जवाब नहीं। अभिभाषण का वक्त था, पीछे की चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, अपनी सरकारों के काम के बारे में बहुत जिक्र नहीं किया उन्होंने। चीन से भी तुलना की, उन्होंने कहा कि चीन में आलू का उत्पादन भी नहीं होता था जब आज़ाद हुआ था देश। आज चीन जो है वो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत जो है वो आयात करने वाला देश हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की का जिक्र किया उन्होंने, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का दिन पर दिन जो अवमूल्यन हो रहा है उसके लिए तो सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। कैसे देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री ने निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और बार बार ये भी कहा कि सबके कामों को याद करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उस पर जो कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, तो कृतज्ञता ज्ञापन तो सत्ता पक्ष की ओर से लाया जाता है, लेकिन विपक्ष के दल उसमें खोट निकालने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चर्चा जो है उस पर ही होना चाहिए। जो आपके राज्यपाल का अभिभाषण में जो अभी आपने करने का संकल्प जताया है उस पर ही बात होना चाहिए। लेकिन आज चूँकि एक 25 जून का दिन भी था, जो कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जिस दिन आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी अगर कांग्रेस सरकार होती तो शायद इसका जिक्र नहीं करती उनका मुख्य प्रधानमंत्री। लेकिन बीजेपी ने तो चूंकि उस सारे दर्दों को जनता पार्टी ने, समाजवादियों ने, सबने उस आपातकाल को झेला है, वो उसको किस तरह से भूल सकते हैं। मैं खुद बचपन में उस समय 10-12 साल का था जब ये आपातकाल लगी थी, तब मैंने देखा था कि वहाँ किस तरह का भय खौफ का माहौल लोगों में था। और 77 में जब चुनाव होने की बात हुई थी और जब सुब्रमण्यम स्वामी, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हमारे सागर में सभा करने आए, तो मैंने देखा, तब मैं 15 साल का हो चुका था, 2 साल और बड़ा 14 साल का हो गया था, तब मैं देखा था, उनके सबका भाषण सुना था। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो वहाँ पर जो बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, लेकिन वो भय के मारे इतना भयाकान थे, मतलब कि पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई तालियां नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सुन के लोग एक मन बना के जरूर लौट रहे थे। और तब वो बिल्कुल और ज़मीनी नेता थे वो बिल्कुल। मैंने देखा कि वहीं सागर के एक बहुत छोटे से लॉज में रखे हुए थे। अगले दिन मैंने कर्पूरी ठाकुर को, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने कर्पूरी ठाकुर को तांगे में बैठ के बस स्टैंड जाते हुए भी देखा। तो कुल मिलाकर वो दंश जो था आपातकाल का, वो झेला तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गया है। और भारत में जो है इसकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत लांछन लगाते हैं कि इन्होंने आपातकाल जैसे हालात कर दिए, अडवाणी जी ने कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। तो वो जो है ना, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है हम सहिष्णु हैं, हम असहिष्णु नहीं हैं। वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस से ज़्यादा सहिष्णु हैं, हमारी लकीर कांग्रेस की लकीर से ज़्यादा बड़ी है। और इसीलिए उन्होंने आज अपने इस मौके को गंवाया नहीं, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ उन्होंने 25 जून की यादें भी ताज़ा कर दी उस नई पीढ़ी के सामने, जिसने संभवतः उसके दंश से कई लोग परिचित भी नहीं होंगे। आधी रात का प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे थे कि आधी रात, प्रधानमंत्री ने भी तकरीबन उसी तरह से किया था आधी रात को। प्रधानमंत्री ने भी आधी रात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आधी रात में घंटा बजाया और GST लागू कर दिया था। 8 बजे उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया एक बार कि अब जो आपके नोट हैं वो किसी काम के नहीं बचे। तो इस तरह की चीजों पर भी बहुत से सवाल। नोटबंदी वाला जो फैसला है उनका, वो तो सर्वथा गलत था और हर जगह से साबित हो चुका है वो तो 99। लेकिन उसका जिक्र नहीं करते प्रधानमंत्री। क्यों करेगा कोई? देखिए, कोई भी बड़ा राजनेता जो होता है वो अपनी गलती को एक तो आसानी से मानता भी नहीं है, स्वीकारता भी नहीं है, और उस गलती से भी फायदा लेने की कला मोदी जी में है। और हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लिया था, उसके फौरन बाद जो चुनाव हुआ था, तो वो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बहुत आगे की सोच के चलने वाले नेता हैं वो, और वो जो कह रहे हैं ना कि हमने लकीर नहीं मिटाई है, उनका कहने का आशय ही है कि हमने लकीर मिटाई नहीं है, लकीर तो खुद ब खुद जो है वो मिट गई है, मिटती जाएगी। और वो इसी तरह से, अब आप देखिए ना, आज वो फैसला कांग्रेस का फिर आ गया कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है पैनल पे फिर नहीं, अगले अनिश्चित काल तक नहीं बैठेंगे।
अब ये बताइए कि आप अपनी बात और अपने पक्ष को स्पष्ट कहाँ करेंगे अगर ये आप करेंगे नहीं तो जी, ये आप सारे ये मौन का भी शोर है। चलिए देखते हैं ये इस मौन का शोर कितने दिन तक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। राय जी, जब जिक्र आता है, जैसे नाकामी का आपने जिक्र किया, बड़ा लिखा आपने, बहुत ढेर सारे लेख भी लिखे आपने उस पर और लगातार लिखे नोटबंदी पर, और प्रधानमंत्री आज देश की आर्थिक स्थिति पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया, फिर चीन की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते रहे, वो चीन को महाशक्ति बनना, चीन का कई तरह का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का भी मैंने एक जिक्र किया था अभी आपके सामने, उसको आप कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक स्थिति है, आप जितनी ज़्यादा वाइट की इकोनॉमी करते जाएंगे उतना ही वैश्विक मंदी का असर आपको झेलना पड़ेगा। और 2008 में भी भारत जो है विश्व की आर्थिक मंदी से रूबरू हुआ था, लेकिन तब काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था ने देश के लोगों को उसका एहसास नहीं होने दिया, उस मंदी से उबारने में बहुत बड़ी भूमिका नजर की। सवाल पैसे, काले पैसा वो गोरा पैसा कुछ नहीं होता, सवाल लिक्विडिटी का होता है। सवाल लिक्विडिटी का होता है, मार्केट में पैसे का क्रंच नहीं होना चाहिए, और पैसा जब तक रोटेट नहीं होगा तब तक ना तो रोजगार मिलेगा, ना उत्पादकता बढ़ेगी, ना कोई भी चीज़ें हो पाएंगे, क्योंकि पैसा कोई खाता नहीं है, पैसा कोई उड़ के सोता है पैसे पर। लेकिन आप पैसे को अगर जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे आपकी पॉलिसीज, तो निश्चित रूप से उसका असर GDP पर भी आएगा, आपकी ग्रोथ रेट पर भी आएगा, सारी चीज़ों पर होगा। तो इन्होंने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए अगली बार, क्योंकि मोदी जी में एक अच्छी चीज है कि वो कोर्स ऑफ करेक्शन बहुत जल्दी करते हैं। आपको देखा होगा, जब पांच साल बीत गए हैं, अब अगले 5 साल का अवसर है, देखते हैं कैसे। नोटबंदी में उन्होंने 64 करेक्शन किए थे 3 महीने के दौरान, इस तरह 560 करेक्शन अब तक GST काउंसिल में हो चुके हैं और उनका सिलसिला अभी भी अनवरत जारी है। तो कोर्स ऑफ करेक्शन करते हैं। विकास बनारिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विकास जी थोड़ा सा लेट हो गए थे। चलिए विकास जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही होगा जी, क्या खास बातें लगी उसको? देखिए, जो बात अभी हो रही थी मैं उससे ही चालू करता हूँ। मोदी जी ने एक बात पहले भी कही है और अभी भी कह रहे हैं जी, गलती हो सकती है लेकिन नियत दुरुस्त है जी। देखिए, बिजनेस रूल्स को अमेंड करना, एडेंडम उसमें लेके आना, ये तो स्वभावतः है, और मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि समय के साथ में हमें बदलना पड़ेगा, परिस्थितियां बदलती हैं, पिलफरेज अगर हम ढूंढते हैं तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और जो जनता के लिए अनुकूल हो उन रूल्स को हमें बार बार लाना पड़ेगा, उन पॉलिसीज पे हमें काम करना पड़ेगा, वही हो रहा है। आर्थिक विषय पे चर्चा हो रही थी। देखिए, भाषण में पूरे में उन्होंने कैसे हम आर्थिक विकास कर रहे हैं इसकी संक्षेपिका दी है जी। और अर्थव्यवस्था तो भारत की मजबूत हो ही रही है। चलिए, GDP में कहीं आपको उन्होंने कहा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का जिक्र किया जी, लेकिन इन 5 सालों में आपने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर तो कुछ काम किया नहीं। नहीं, देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने तो अंबानी को काम दे दिया साहब। नहीं, देखिए, ये फलसफा कांग्रेस भी चलाती रही जी, और किसी के समझ में नहीं। पूछना ही पड़ेगा साहब, पूछना ही पड़ेगा, कांग्रेस आती ही नहीं है ना, तो पूछना तो पड़ेगा सवाल आपसे। नहीं, मैं फिर बड़ा स्पष्टता कह देता हूँ जी, जिस ढंग से कांग्रेस ने प्रचारित किया, जिस ढंग से किया, आप, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है जी, वो हमारे पास बहुत सी फैक्ट्रियां थी आजादी के पहले से, है ना, उन्होंने उसके कई तरह के जिक्र किए और उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आयातक देश हैं और चीन जो है वो निर्यातक देश है, लेकिन हमने भी इन दिनों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के उन्नयन पर बहुत काम कुछ ऐसा किया नहीं है, ये सवाल मेरा था। अब मेरा बहुत अध्ययन तो नहीं है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर एकदम। चलिए, लेकिन आप देखिए ना, चलिए, आपका बहुत अध्ययन नहीं है, मेरा ढेर सारा अध्ययन है, तो अब मैं जिक्र नहीं करता हूं मैं, लेकिन संक्षेपिका में बता दूं, हमने जबलपुर में जो विस्तारीकरण किया वो काम तो आपने हमने सबने सुना पड़ा है जी। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा खामखा, इसलिए नहीं, आप फिर कह देंगे कि आपका आपकी जानकारी नहीं है। चलिए चलिए, मैं उसको आगे आगे बढ़ जाता हूं इस चीज से, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के सारे क्षेत्रों में जो निजीकरण की एक जो बीमारी लग गई है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसरो अगर जी, अगर हम अंतरिक्ष में जी कोई
आर्टिफिशियल सेटेलाइट को मारने की क्षमता ढूंढ रहे हैं, आप देखिए ना, तो वो टेक्नोलॉजी तो हम ही डेवलप कर रहे हैं ना, यहाँ पे हिंदुस्तान में हो रही है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इंडिजिनियस अचीवमेंट कि अगर हमें कोई स्पाई सेटेलाइट पाया जाता है और हमें इस अचीवमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है? नहीं क्यों नहीं है, विकास बनरिया जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी सुना ही होगा आपने। देखिए ऐसा है, मोदी का है अंदाजी में, आज 25 जून है और 25 जून भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में एक बहुत मायने रखती है। आज ही के दिन 44 साल पहले इस देश में इमरजेंसी लगी थी, एक काले अध्याय का 19 महीने के स्याह वक्फे का आज के ही दिन शुरुआत हुई थी। लेकिन मोदी का यह कहना अच्छा लगता है जब वह कहते हैं कि मैं बड़ी लकीर खींचता हूँ और मैं लकीर मिटाता नहीं। लेकिन बड़ी लकीर खींचना और लकीर मिटाने की तस्दीक घटनाओं से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनके कथनी से होनी चाहिए। सुधीर भाई, 25 जून 83 को हमने वर्ल्ड कप भी जीता था पहला वाला, तो 25 जून 83 देखिए वो घटना बहुत छोटी है, इमरजेंसी की आपातकाल लगाना, हम लोग अभी खेलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी राजनीति के इतिहास की बात। जी बोलिए। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी 44 साल पहले, आज हम जब बात करते हैं तो एक घोषित इमरजेंसी होती है, एक अघोषित इमरजेंसी होती है। सवाल ये हमारे मित्र ने कहा कि हमने अंतरिक्ष में जो उपलब्धियां अर्जित की है, अभी कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना का एक विमान गुम हो गया था और करीब करीब 2 हफ्ते तक उसका पता लगाने में हमारी सारी एजेंसियां, हमारी सारी वैज्ञानिक प्रगति, हमारी सारी उपलब्धियां बेकार रही थी। सिरोठिया जी को याद होगा। तो आप अपने देश की सीमा के भीतर एक वायुसेना के खोए हुए विमान को नहीं खोज पाते हैं, यह भी आपकी उपलब्धि की कहीं ना कहीं खामी की ओर संकेत करता है। और ये वाकई बहुत अच्छा होगा अगर मोदी बड़ी लकीर खींचते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत या किसी भी मुक्त भारत के बजाय गरीबी मुक्त भारत, जाति मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं और अपने जरिए अपनी टीम को ये संदेश देना चाहते हैं कि कलबुर्गी या पानसरे या दाभोलकर या तबरेज या अखलाक की हत्या इस तरह से नहीं होगी और सबकी सुनी जाएगी, असहमतियों का भी सम्मान किया जाएगा और जिस तरह से इमरजेंसी में असंवैधानिक सत्तापीठ उठ खड़े हुए थे उस तरह मोदी के राज में, मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में, मोदी की दूसरी पारी में किसी भी तरह से कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान, कोई भी अनुसंगी संगठन अपने हाथ में कानून नहीं लेगा। कानून का राज होगा, सहिष्णुता का सम्मान होगा, असहमति का भी आदर किया जाएगा और देश को विपक्ष को सहमति में लेते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की कोशिश होगी। बिल्कुल राय जी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है। लेकिन अनुसंधान पर हम कितना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को हम क्या दे रहे हैं? अभी बीच में एक खबर, एक लेख आपने भी पढ़ा होगा कि वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले बहुत ढेर सारी सुविधाएं जो हैं वो कम कर दी गई हैं। तो ये जी तो ये अनुसंधान जो है, ये क्या इसी स्टाइल में अनुसंधान है या चुनाव कैसे जीता जाना है उसका अनुसंधान किया जा रहा है? हमारे एक परिचित के बेटे ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बॉम्बे से पवई IIT पवई से उसने डिग्री की, लेकिन बाद में वो हमें लगा था कि वो वैज्ञानिक बनेगा, वो भी कहता था वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन अंततः हुआ ये कि वो किसी कंपनी में मार्केटिंग वाले जॉब से जुड़ गया। जी, तो ये स्थिति अपने आप में दिखाती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति हम कितने गंभीर, जो नहीं जो अरुचि इसलिए होती है क्योंकि उनका संसार तो बिल्कुल सिमटा हुआ होता है, गोपनीयता का संसार होता है, सिमटा हुआ होता है उनके मेल मिलन, जैसे जुडिशरी के लोग जो है सिविल लाइफ में ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, इसी तरह उनके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं कि आरोप नहीं लग जाए कोई जासूसी करने का, लीक करने का, तो उसके लिए फिर उस हिसाब से आपको मुफीद पैसा देना चाहिए। सरोठिया जी, मैं इसमें ये भी कहूंगा कि भारत की आपके पास आऊंगा सुधीर, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभाएं देश के बाहर क्यों चली जाती है? बिल्कुल आपके पास आऊंगा, बिल्कुल इसीलिए चली जाती है, इसीलिए जाती है, वो भी विदेश में ही काम कर रहा है लेकिन एरोस्पेस में नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर अगर देखिए अनुसंधान का अगर जोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि बहुत लंबे समय से, चलिए अब देखते हैं बजट में कितना जुड़ता है। एक मिनट में
ये बहुत डीप कंसर्न का मामला है। हम आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं कि भारत का जो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की तो हम बात बहुत करते हैं, लेकिन हमारी चिकित्सा पर R&D होता ही नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम। और इसीलिए भारत के पास में इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, जिनको कि एलोपैथी के लोग लेते जा रहे हैं, जो विदेशी वैज्ञानिक, और वो दवाई बना के जो 5 पैसे की दवाई है वो 15 रुपये में लोगों के हाथ आ रही है, पेटेंट कराते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, माने कितनी, इसको बताओ सर, R&D से क्या होगा कि जो दवा हमें 10 दिन में फायदा करती है उसका अर्क बन जाएगा और वो जो है आपको 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में रिलीफ देने लगेगी। उसको कंसंट्रेट फॉर्म में ही तो होता है, एलोपैथी कंसंट्रेट फॉर्म है और ये आयुर्वेद रॉ फार्म है, तो रॉ फार्म को आपको उसको करना पड़ेगा और इसके लिए बजट देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देना पड़ेगा। सिर्फ ये कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देंगे इस तक सीमित, ये नारे तक काम नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। बिल्कुल श्री सक्सेना, आप कुछ कह रहे थे इसमें? मैं ये कह रहा था कि अगर उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा मूलता, जय जवान जय किसान, जी जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और फिर जय अनुसंधान, 60 के दशक में दिया था विज्ञान की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने की। और हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति था जो स्वयं बहुत बड़े और विश्व स्तर पर सम्मानित वैज्ञानिक थे, हमने उनको राष्ट्रपति बनाया। तो अगर वो जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करते हैं तो उनको इसके ऊपर गंभीरता से अमल करना होगा, क्योंकि भारत के सामने आंतरिक चुनौतियां भी हैं, सामरिक चुनौतियां भी हैं और बाहरी चुनौतियां भी हैं। भारत जिस तरह से पाकिस्तान से छद्म युद्ध में उलझा हुआ है, आज नहीं बरसों से, तो भारत को अपनी सामरिक नीति की पुनर्व्याख्या और उसकी पुनर्परिभाषा करनी पड़ेगी और अनुसंधान को महत्व देते हुए उसको दलगत राजनीति और बाकी चीज़ों से परे रखना पड़ेगा। नहीं तो ये आप देखते रहिए कि हिंदुस्तान जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभा आप बाहर जाती रही हैं। आप जातवाद, संप्रदायवाद, इस तरह सबसे मुक्त होना, इसका, इसका आप जिक्र कर रहे थे जी। आज प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक का भी बड़ा जिक्र किया, काफी देर तक उस पर भी बोले, शाहबानों के समय का भी जिक्र किया, फिर कांग्रेस से कहा कि आपके पास 34-35 साल बाद एक फिर अवसर आया कि आप कुछ बेहतर कर लें। देखो आप कैसे, ट्रिपल तलाक का मुद्दा अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पुनर्विवाह या परित्यक्ता स्त्रियों या विधवा विवाह, ये इन सारी चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। सिर्फ ट्रिपल तलाक पे बात करके हम अगर अन्य मानवीय मुद्दों को उजल या दरकिनार कर देते हैं तो जाहिर है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं दुराग्रह की बू आती है। तो मुझे लगता है कि इनको सारे मानवीय मुद्दों को देखना चाहिए, ट्रिपल तलाक या समान आचार संहिता पर अगर कोई भी सरकार किसी भी तरह का कानून लाती है तो उसको विपक्ष को तथा विभिन्न धर्मावलंबियों को पहले विश्वास में लेना चाहिए, फिर सर्वानुमति का रास्ता आप दोनों लोगों से एक सवाल पूछूंगा, बहुत जल्दी मैं उसका उत्तर चाहूंगा, संक्षिप्त में 10-10 मिनट में दे दीजिएगा, सेकंड में दे दीजिएगा और फिर उसके बाद मैं आऊंगा विकास भंडारे के पास। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ सुधीर जी, लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने, जितने भी विपक्ष ने संशोधन बताए थे उसको एक स्वर में कहा, जो पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विपक्ष में मैं ना कहे, तो क्या लगता है आपको, इस तरह से होना चाहिए या एक एक संशोधनों पर भी कुछ बात होनी चाहिए थी? इसलिए कि इसलिए जी वही मैं कहता कि असहमति का आदर, और जो सहमत नहीं है उनको विश्वास में लेने के लिए हम कहें सबको बोलने का मौका मत दीजिए, लेकिन विभिन्न महत्वपूर्ण दलों के एक एक प्रतिनिधि को या एक एक नहीं, सबको मौका दिया गया, संशोधन कई लोगों ने सुझाए, लेकिन सारे संशोधनों को एक साथ एक लाइन में एक ही जाहिर सूची में कर दिया, तो फिर जाहिर है आपके पास बहुमत है तो हाँ या ना से तो बात बनेगी नहीं, बैठक होनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, अगर कोई सही सुझाव आया है तो उसको स्वीकार करने का साहस, नैतिक साहस सत्तारूढ़ दल में होना चाहिए। मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, आपातकाल की बात राजेश जी की जा रही थी, सारे तरह की बात की जा रही थी, संसदीय परंपराओं की बात की जा रही थी, कर्तव्य और अधिकारों की बात की जा रही थी, सब तरह का जिक्र हो रहा था, लेकिन संशोधनों पर इतनी लंबी बहस हुई, इतना समय लगा, लेकिन जब संशोधनों पर बात आई तो एक ही बार में एक ही छड़ी से सबको हांक दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात सुधीर जी जो बात कह रहे हैं कि असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए, तो उसका मायना ही है कि अगर आपको जो लॉजिकल लगते हैं और जेन्युइन लगते हैं कोई संशोधन, तो उसको स्वीकार करने में हिचक नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनना चाहते हैं। लेकिन ये अमूमन सरकारों का, अकेले मैं भाजपा को दोष नहीं देता, कमोवेश सारी सरकारें जो भी आती है, जो भी उनको संशोधन सुझाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, मुझे तो याद नहीं है, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा को लंबे समय तक कवर करता रहा कि उसको स्वीकार किया गया हो, नहीं करते लोकसभा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर आप बड़े लोकतांत्रिक उसके वो बनना चाहते हैं मसीहा, तो आपको
असहमति का सम्मान करते हुए और संशोधनों को जो कि वाजिब दिखते हों उन पर भी बात करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने महिलाओं से मुस्लिम महिलाओं से विमर्श किया तो पुरुषों से भी करना चाहिए कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और सारी चीजों करके उनको निकालना चाहिए सर्वानुमति से। लेकिन ध्वनिमत चूंकि बहुमत है तो ध्वनिमत तो काम करेगा। बिल्कुल विकास मंदरिया, बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं, सबने बहुत ढेर सारे सवाल किए, सबके जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए जय जवान जय विज्ञान के बाद में अब जो जय जवान जय किसान, किसान मत भूलिए साहब, बिना किसान के काम चलता नहीं। पुराने छंद ही है, नया जो उसमें जय अनुसंधान की बात है। देखिए ये बड़ा स्पेसिफिकली आज बड़ा क्लियर है कि रिसर्च के साथ ही आप देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करके कोई भी प्रोडक्ट हो सर्विस हो वो आगे डेवलप कर सकते हैं। चाइना और अमेरिका की प्रगति का राज ही ये रहा है, भले वो छोटा सा खिलौना हो उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी उन्होंने अपने तय डेवलप की और कुछ भिन्नता उस प्रोडक्ट में ले आए, उसकी प्राइसिंग कम कर ली। इसलिए मोदी जी ने ये जो बहुत ढेर सारे नीति हमने बहुत ढेर सारे इंडिया हमने बहुत ढेर सारे इंडिया सुने थे जी बहुत ढेर सारे इंडिया सुने थे मोदी जी ने, ढेर सारे इंडिया पिछले कार्यकाल में सुनाए हैं अपने, कितने तरह के कौन से मेक इन इंडिया, मैं बता रहा हूँ इंडिया, बहुत तरह के इंडिया सुने थे, अनुसंधान ही थे ज्यादातर। नहीं उसमें कामयाबी मिली। अब आप देखिए डीआरडीओ में जो अनुसंधान पहले होते थे और मिलिट्री तक लिमिटेड रहते थे, अब हम उन्हें बाजार में ले जा रहे हैं और प्रोडक्ट के रूप में लोगों के बीच रख पा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में लोगों को स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए काम दे रहे हैं। वैज्ञानिकों की रुचि कम हुई है, उनके भत्ते कम हुए हैं, उनकी सुविधाएं कम हुई है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। रिजवान भाई जो बात कही ना, जो राजेश जी ने बात कही ना कि मार्केटिंग फोर्सेस कहाँ कैसे क्या आगे निकल जाते हैं और क्यों ज्यादा मन में समा जाते हैं, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग कंपनीज क्यों आगे बढ़ जाती हैं, लोग क्यों उनमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सामाजिक अध्ययन का ही विषय है। बेसिकली सरकार तो काम कर रही है। अगर हम एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, एक आशंका जताई थी सुधीर सक्सेना जी ने, उन्होंने कहा कि कहने नहीं अमल में भी लाना चाहिए कि लकीर हम मिटाते नहीं है, इसलिए कि आपकी शुरुआत ही कांग्रेस मुक्त भारत से हुई थी। और देखिए कांग्रेस मुक्त भारत की अच्छाई अब हम क्या लाना चाहते आप थे? उसकी व्याख्या करते रहिए, आप उसकी व्याख्या करते रहिए, लेकिन लकीर मिटाने और लकीर बनाने की बात है। जातिगत चुनाव से हम इस देश को मुक्त करना चाहते थे तो ये 2019 का चुनाव उसका उदाहरण है जी। तो मुझे 14 का भी था, वहां भी जातिगत बंधन टूटे थे, नहीं बंधन, तभी तो आप चीते थे। बंधन टूटे होंगे लेकिन इस बार तो स्पेसिफिकली गठबंधन उस ढंग के क्रिएट किए गए थे कि जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, वो जब विध्वस्त हुआ है तो लगता है कि अब हम उससे पार। आपने भी तो किए थे साहब, नीतीश कुमार से भी किए, अपना दल से भी किए, सब कुछ किए। चलिए चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कि राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क होते हैं। अब सुधीर जी समय नहीं बचा है, सुधीर सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े, विकास बदरिया आप हमारे साथ जुड़े और राजेश सरोठिया आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लकीर है, इसे पीटेंगे नहीं, मोदी कहते हैं उसको अपनी लकीर और बड़ी बनाएंगे, परिश्रम करेंगे। चीन को वो एक मॉडल की तरह जिक्र उन्होंने चील का भी किया, लेकिन क्या चीन की तरह फासिज्म तो हम अपना नहीं सकते, लोकतांत्रिक देश हैं। तो जाहिर है कि अब हमको किस दिशा में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, इसलिए कि मोदी संदेश बहुत से देते हैं, उसमें से अर्थ निकालना बहुत आसान नहीं होता। अब उम्मीद की जाती है कि देश एक सही दिशा में बढ़ेगा, अनुसंधान भी होगा, एकता भाईचारा भी होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी होगा। चलिए देखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।